हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफी बच्चों को दिक्कत आती है तैयारी करते टाइम कि हम टाइम मैनेज कैसे करें। इतनी सारी क्लासेस होती हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, इतना सारा पढ़ना होता है, तो हम टाइम मैनेज कैसे करें? तो उसी के चलते जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी करने में, आप बेटर तरीके से तैयारी कर पाओगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए आपका अनअकैडमी। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी एग्जाम कैटेगरी चूज करनी है, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट, सब कैटेगरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद अपना प्लान चूज करना है। जब आप अपना प्लान चूज कर लोगे, वहां पर आपसे कोड पूछा जाएगा। कोड में आपको PMYT एंटर करना है, जो प्राइस वहां दिया होता है वो पे नहीं करना है। आप PMYT अप्लाई कर देना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, PMYT अप्लाई कर दोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मॉक टेस्ट हो गए, क्लास PDF हो गए, डाउट सेशन हो गए, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है PMYT लगाकर, और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऐसे में हम टाइम कैसे निकालें? केवल क्लासेस करोगे, क्लासेस के सहारे बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। अब हम कैसे करें? तो सबसे पहली चीज आती है आपकी टाइम टेबल। टाइम टेबल, अब आप बोलोगे टाइम टेबल तो सभी बोलते हैं, लेकिन टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता है, फॉलो नहीं कर पाते हम टाइम टेबल। तो क्या करना है? टाइम टेबल सबसे पहले तो ऐसा अपना बनाओ जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। रियलिस्टिक टारगेट सेट करो कि इतना घंटा मैं पढ़ सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उस अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल सेट करूंगा कि इतना घंटे मुझे पढ़ना है, उसमें से इतना घंटे इस सब्जेक्ट के लिए, इतने घंटे इस सब्जेक्ट के लिए। ऐसे रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करने हैं। उसके अलावा आपको टारगेट सेट करने हैं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कि आपको डेली का ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरे वीक में इतना कवर करना है, पूरे मंथ में इतना कवर करना है। पूरे मंथ का आपने सपोज देख लिया कि मुझे पूरे मंथ में ये वाला पार्ट इतना कवर करना है। अब आप इसको वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो कि 4 हफ्ते होते हैं, तो एक हफ्ते में इतना, दूसरे हफ्ते में इतना, तीसरे हफ्ते में इतना, चौथे हफ्ते में इतना। फिर इसको भी आप डेज में करना चाहते हो, तो इस पूरे पार्ट में से भी इतने इतने डेज में मुझे इतना करना है। तो ऐसे आप वीकली, मंथली और डेली टारगेट सेट करो, तो आपको इजी रहेगा कि आपको पता है आपको क्या करना है। और किसी दिन अगर कुछ मिस भी कर दिया तो उसको स्किप कर दो, बाद में उसको फॉलो कर लेना। उसके चक्कर में बैकलॉग आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। हमारा क्या होता है, हम हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम एसएससी की बात करें तो आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसमें आपको जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हो, सारा टाइम उसी सब्जेक्ट पर दे देते हो, उसको ज्यादा पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स ही हमें दिला रहे हैं, तो आपको फोकस करना है सारे ही सब्जेक्ट्स पर, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ के नहीं चलना है, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वल टाइम आपको देना है अपने अकॉर्डिंग। जो आपका ज्यादा वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, जो कम वीक है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, इस अकॉर्डिंग। फिर एक और चीज क्या आती है, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लग रहा है कि हमें 12 घंटे अगर पढ़ना है दिन में, तो ऐसा नहीं है कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इससे हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, हमारा माइंड थोड़े टाइम तो सही वर्क करेगा बट उसके बाद फिर वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है, फिर हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपको ब्रेक्स लेने हैं बीच में, 1 घंटा पढ़ लिए तो ब्रेक ले लिया, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है 2 घंटे आप कंटिन्यूस पढ़ सकते हो, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया। ब्रेक कम से कम 15-20 मिनट का तो हो ही एटलीस्ट, तो इससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आराम से जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ब्रेक्स लेना इसलिए जरूरी है। ब्रेक्स लेकिन बहुत लंबे भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी उसके बाद 1 घंटे हो तो ब्रेक ही ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक्स आप रखो मिनिमम 15 मिनट्स का और मैक्सिमम 30 मिनट्स का। 15 to 30 मिनट्स का आप ब्रेक रखो, इसमें आपका माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। ये आपका टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, जैसे आप मेंटेन कर पाओ, जो आपका सोने का टाइम हो, जो आपका उठने का टाइम हो, जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आपको सेट करना है। ये आपकी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, स्टडी स्पेस बनाना। इसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं, हम अपना कंफर्टेबल स्पेस देखते हैं, जहां हमें मन किया हम वहां बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अलग रूम लो, अलग रूम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए पढ़ने के लिए। अपना टेबल और
चेयर आपने ले ली, वो पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए कि हाँ हमें यही पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, सपोज करो हम बेड पर बैठ गए, फिर हमें आदत है कि भाई हम बेड पर बैठेंगे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम बेड पर जाएंगे तो हमें सोना है, हमें लेटना है तो नींद आनी है, तो वो माइंड हमारा वही फिर वही करने लगता है, हमें नींद आने लगती है बेड पर जाते ही। इसलिए आपको बेड पर नहीं पढ़ना है, आपको चेयर टेबल लेके ही पढ़ना है। वहां पढ़ोगे आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे से पढ़ पाओगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो प्रॉपर आपको स्पेस बनाना है, वहां पर बुक्स होनी चाहिए, ताकि आपको फील आपका वैसे ही है कि आपको पढ़ना है, आपके माइंड को पता चले कि अगर आप यहाँ बैठे हो इसका मतलब आपको पढ़ना है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है ये सोच लिया अभी हम सपोज करो उठने में लेट हो गए, हमने सोचा था 6 बजे उठेंगे, हम उठे 7 बजे, तो हमारा 1 घंटा मिस हो गया, तो हमने सोचा 1 घंटा तो मिस हो ही गया, छोड़ो अब हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे, आज का फिर रहने देते हैं। तो ऐसे कल पे चीज नहीं डालनी है, कोई बात नहीं 1 घंटा लेट हो गया तो आप आगे से कंटिन्यू करो, कल पे कुछ भी नहीं डालना है आपको, जो है वो करना है। और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ, जो भी अपना शेड्यूल बनाया है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। कोई अदर पर्सन आपसे आके बोलेगा कि आप फॉलो करो, आप नहीं करोगे, आपको खुद से ही इतना कॉन्फिडेंट होना है, खुद से इतना स्ट्रिक्ट होना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको जो शेड्यूल आपने बनाया है और अपनी कंफर्टेबल स्पेस के अकॉर्डिंग आपने बनाया है, ऐसा नहीं है किसी और ने पकड़ा दिया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आपने वैसे ही शेड्यूल बनाया है, वैसे ही टाइम टेबल बनाया है, तो उसको बिल्कुल फॉलो करना है आपको स्ट्रिक्टली। थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं है कंटिन्यूस पढ़ना है, आपने उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट किया होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, कल पर कुछ भी नहीं टालना है, जो जिस टाइम सेट किया है आपको उसी टाइम सब कुछ फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है आपका, डू नॉट कंपेयर। हमारा क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड है वो अगर 12 घंटे पढ़ता है तो हम फिर उससे कंपेयर करेंगे, अरे वो तो 12 घंटे पढ़ रहा है, हम कैसे कम पढ़ सकते हैं, हमें तो और ज्यादा पढ़ना है। देखो सबकी डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, अगर उसकी लिमिट 12 घंटे की है, हो सकता है आपकी लिमिट 10 घंटे की हो सकता है आपकी लिमिट 8 घंटे की हो, ये भी हो सकता है आपकी लिमिट 14 घंटे की हो। तो कभी कंपेयर नहीं करना है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अलग अलग माइंड होता है। हो सकता है आप किसी चीज को 1 घंटे में ग्रेस्प कर रहे हो, आपका फ्रेंड उसी चीज को 2 घंटे में ग्रेस्प कर रहा है तो इसलिए उसको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, सबका डिफरेंट होता है। तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी से, अपने अकॉर्डिंग आप देखो आपको क्या बेस्ट सूट करता है, आप किस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, कौन सा टाइम आपके लिए बेटर है, किस चीज को आपको कैसे करना है, खुद से थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करो, हिट एंड ट्रायल करो कि ये वाला टाइम आपके लिए बेस्ट है या ये वाला सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो, इसमें आपको दिक्कत आती है, खुद से आपको ट्रायल करने होंगे थोड़े से, तब आपको पता चलेगा क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी से, कभी भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है, नहीं, उसकी अलग चीज है, वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कंपेयर नहीं करना है, और जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उतना ही करना है, उसी टाइम में आपको सब कुछ फॉलो करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है अपना, तब आप आराम से कर पाओगे, कंफर्टेबल भी रहोगे और तब आप आराम से सब कुछ कर पाओगे। फिर क्या है लास्ट पॉइंट आपका, सेल्फ मोटिवेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अदर पर्सन आके आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आप 1 दिन मोटिवेट होगे, 2 दिन मोटिवेट होगे, 3 दिन मोटिवेट होगे, एट दी एंड वो मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगी, आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर सेल्फ मोटिवेशन है तब आप अच्छे से मेहनत करते रहोगे और अच्छे से एग्जाम निकाल भी लोगे। तो आपको खुद से देखना है कि आपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी, क्यों करी, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, या आप एग्जाम क्रैक कर लोगे उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी, आपको कौन सी जॉब मिलेगी, आपका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या सोशल स्टेटस होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तब आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे जो भी मैंने सोचा है, जो कैसे भी सोचा है, जो भी टारगेट सेट किए हैं, वो मुझे एनी हाउ पूरा करना ही करना है, मेहनत करते रहो बस फल जरूर मिलेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, यही आपसे बोलना चाहूंगी। ये हमारे कुछ टिप्स हो गए, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपकी तरफ से कोई कसर नहीं बचेगी, अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे और क्लियर भी होगा। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है आपको, जितना हो सकता है उतना करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ये सारे टिप्स आप फॉलो करो, आपको यूजफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा, फ्रूटफुल रहेगा ये आपके लिए। अगर और आप चाहते हो कि भाई तैयारी कैसे करें, कोई भी डाउट है कि तैयारी कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं या इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा सिलेबस है कैसे करें,
अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या हाल है आप सबके? अगर अभी तक आपने अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप अभी के अभी अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक कर लेना। अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक करते ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इन्वाइट कोड अप्लाई करना है, PMYT। जैसे ही आप ये PMYT कोड लिखेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा, और उसके बाद आप सभी कैटेगरीज की जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं वो लगा पाएंगे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, और साथ ही जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जो आपका इनवाइट कोड है वो है PMYT। PMYT लगाते ही आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा।